अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टेक वुमेन में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पेन टूल के मजीद ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनकी मदद से हम किसी भी शेप को एक नई शेप कैसे दे सकते हैं और उनका यूज क्या है, स्पेशली इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टूल बार में जाते हैं और देखते हैं जाके कि पेन टूल में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे है पेन टूल और सेकंड पे है ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, और थर्ड पे है डिलीट एंकर पॉइंट टूल और फोर्थ पे है एंकर पॉइंट टूल। तो हम इनको यूज करते हैं और इनकी शॉर्ट कीज जो है वो आपके सामने नजर आ रही है। पेन टूल के लिए आपने यूज करना है पी, एड एंकर पॉइंट टूल के लिए प्लस और डिलीट एंकर पॉइंट टूल के लिए माइनस और एंकर पॉइंट टूल के लिए शिफ्ट प्लस सी का इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को बनाते हुए और आपको सिखाते हुए मैं साथ साथ आपको इन शॉर्ट कीज को बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए इनका यूज देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमने शेप ड्रॉ कर ली, इसके स्ट्रोक को हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम यूज करते हैं सबसे पहले एंकर, एड एंकर पॉइंट टूल। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि ये डॉट जो है ये एंकर का पॉइंट है, मतलब ये एंकर है, इसको कहते हैं, ये इस पॉइंट को भी एंकर कहते हैं, इसको भी और इसको भी। अब ऐड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये एक एंकर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी एक एंकर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हमने सारे एंकर पॉइंट्स को ऐड कर लिया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनको मूव करेंगे तो आपके सामने एक नई शेप क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसको अंदर की तरफ मूव करें तो एक नई शेप क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से आप ऐड एंकर पॉइंट की मदद से मुख्तलिफ जगहों पे एंकर पॉइंट को ऐड करके किसी भी शेप को एक नई शेप रूप है वो दे सकते हैं, एक नई शेप जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे ही डिलीट एंकर पॉइंट की, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे आके एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया तो वो डिलीट हो गया और अपनी असल हालत में वापस चला गया। सेम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर ऐड वाले से हम मजीद जो एंकर पॉइंट है उनको ऐड कर सकते हैं और डिलीट वाले से किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अपने इस शेप को जो मैंने पहले ड्रॉ की थी उसका एंकर पॉइंट भी खत्म कर दिया है। इस तरह से हम किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एंकर पॉइंट टूल, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एंकर पॉइंट बनाया और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मूव किया तो ये इसकी जो नोक है वो गोलाई में बदल जाएगी, ठीक है जी। जैसे कि हमने पहले कर्व को कर्व जो था हमने कर्व डिजाइन किया था पेन टूल की मदद से ड्रॉ किया था, सेम हम यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल की मदद से भी कर्व को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जितना आप उसको सॉफ्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है जी, यहां से भी कर लेते हैं। ये आप अपनी जितनी आपको जरूरत है आप उसके मुताबिक कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। तो ये थे इन तीनों को इस्तेमाल के, इन तीनों को किस तरह से यूज किया जा सकता है। अब हम एक और शेप को ड्रॉ करते हैं और हम दोबारा से एंकर पॉइंट्स को यूज करते हैं पेन टूल के, जितने भी हमारे
टूल है उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, मैंने शिफ्ट को प्रेस करके शेप को ड्रॉ किया है और सबसे पहले मैं एंकर पॉइंट टूल को यूज करूंगी। मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और इसको ड्रैग करने की कोशिश की और अपनी आप किसी तरह की भी शेप दे सकते हैं। देखिएगा इस तरह से भी एक शेप दे दी मैंने, मुख्तलिफ एक नई शेप जो पहले शेप थी उस वो बिल्कुल चेंज हो गई है, एक नई शेप क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से ये हमने एक नई शेप बना ली अपने एंकर पॉइंट टूल की मदद से। अब हम यूज करेंगे डिलीट का ऑप्शन, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ठीक है जी, हमने इसको डिलीट कर दिया, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी। अब हम ऐड करेंगे, तो हम ऐड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हमने डॉट लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, लेकिन हम यहाँ से जाके ऐड भी कर सकते हैं। पेन टूल की प्लस का अगर हम साइन को प्रेस करें तो हम मुख्तलिफ जो एंकर पॉइंट है उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगेन मैं एक शेप लूंगी और शिफ्ट को प्रेस किया, शेप को ड्रॉ किया। ये आपके सामने 6 पॉइंट्स है। अब मैं इसको ऐड एंकर पॉइंट की मदद से और भी इसके अंदर एंकर पॉइंट जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये आपके सामने है और एंकर पॉइंट पहले भी 6 थे, अब मैंने 6 और ऐड कर दिए, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। हमने यहाँ से पकड़ा और नई शेप दे ली हमने। ठीक है जी, ये एंकर पॉइंट का, ऐड एंकर पॉइंट का यूज है। किस तरह से एंकर पॉइंट को मैंने ऐड किया और फिर उसकी मदद से एक नई शेप क्रिएट की। तो आपके सामने एक नई शेप क्रिएट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हमने पेन टूल के मजीद जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करना सीखा और किस तरह से हम उनको यूज़ करके एक नई शेप क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस सारी वीडियो में हमने ये लर्न किया है। आज की वीडियो में इतना ही है, कल मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, नए टूल के साथ आपको नई लर्निंग के प्रोसेस में लेकर जाऊंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।